जापान नगर निगम ने एक अहम पहल की है जिसके बाद प्रकृति को काफी लाभ पहुंचेगा। नगर निगम ने अब गोबर से लकड़ी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। निगम की महिला समूह ने गोबर से लकड़ी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसके तहत शहर के 4 सेंटरों में गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है। अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया है कि काफी सस्ता पड़ेगा जिससे प्रकृति को भी लाभ पहुंचेगा। जो मर जाएंगे उसी में काम आ जाएगा और लकड़ी से भी पेड़ पौधा भी बच जाएगा और मतलब हर चीज भी काम आ जाएगा। और जो गोबर जो लेते हैं खरीदते हैं 2 रुपया वो इकट्ठा करते हैं, फिर जूना नवा होता है ना, तो पुराना वाला जो गोबर इकट्ठा करके उसमें जो लकड़ी का मुरादा नहीं आता है उसमें फेंटते हैं, जैसे मिट्टी का मिलाते हैं टाइप का, और फिर ला के मशीन में डालते हैं। फिर अंबिकापुर नगर निगम ने एक अहम पहल की है जिसमें गोबर के माध्यम से लकड़ी और ब्रिक्स बनाए जाएंगे जो कि काफी फायदेमंद होगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अंबिकापुर नगर निगम के आयुक्त महोदय हरीश मंडावी जी हमसे जुड़ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं इसके फायदे के बारे में। सर पहले तो ये बता देंगे जो ये ब्रिक्स गोबर से बनाया जाएगा इसका प्रक्रिया पूरा बता देंगे। गोधन न्याय योजना के तहत हम जो 2 रुपये पर केजी के हिसाब से गोबर जो खरीद रहे हैं इसके लिए जो हमारी महिला स्व सहायता समूह लगी हुई है उसमें हमें बहुत पर्याप्त मात्रा में गोबर प्राप्त हो रहा है। उस गोबर का सदुपयोग के लिए हमने सबसे पहले तो उसको प्रोसेसिंग करके वर्मी कंपोस्ट हमने तैयार किया। उस वर्मी कंपोस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उसी तारतम्य में हमने भी उसी में थोड़ा सा आगे बढ़कर गोबर से लकड़ी और वृक्ष बनाने का काम हमने स्टार्ट किया हुआ है। उक्त जो मशीन है वह शासन के द्वारा स्वीकृति इसे प्राप्त हुई थी और उसी के तहत हमने उसको परचेस किया और फिर उसके बाद फिर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा उससे गोबर से लकड़ी बनाने का काम किया जा रहा है। प्रकृति को इससे किस तरह का लाभ होगा, प्रकृति को जो है कि इससे क्या लाभ हो सकता है, पेड़ कटने बंद हो जाएंगे, कितना लाभ हो सकता है प्रकृति को? क्योंकि ज़्यादातर देखिए यही होता है कि जो लकड़ी जो प्रयोग किया जाता है चाहे वो आग जलाने में प्रयोग किया चाहे अलाव जलाने में प्रयोग किया जाए चाहे ईटा भट्टे में जो जहाँ भी प्रयोग किया जाता है वह मूलतः लकड़ी को उपयोग किया जाता है जिसमें पेड़ों और वृक्षों की कटाई की जाती है। तो हमने अभी प्रारंभिक रूप से यही तैयार किया हुआ है कि 50% हमने उसमें कटौती करते हुए क्योंकि हम जो लकड़ी खरीदते थे अलाव जलाने के लिए जो खरीदते थे तो उससे 50% हम कम करके 50% हम गोबर की लकड़ी का उपयोग हम करेंगे। तो निश्चित ही पर्यावरण के लिए यह फायदेमंद भी है और साथ में जो गोधन हमारा है जो गोबर प्राप्त हो रहा है उसका सदुपयोग भी इससे होगा। अभी कहाँ कहाँ इसे बनाया जा रहा है और इसका क्या कॉस्ट है, जो पब्लिक को इसे किस रेट पे दिया जाएगा? यह हमारे मूलतः हमारे 4 जो गौठान है डीसी रोड सेंटर गांधीनगर सेंटर और फिर हमारा बस स्टैंड सेंटर और अपना गुडरापारा जो गौठान 4 गौठान है उन गौठानों में इसका निर्माण हम कर रहे हैं और हम इसका रेट जो रखे हैं 6 रुपये पर केजी के हिसाब से जो सामान है जो दूसरी लकड़ियाँ का जो रेट है उसी लकड़ियों के आधार पर ही हम इसका 6 रुपये रेट पर केजी के हिसाब से रखे हैं। निश्चित तौर पर इसका लाभ प्रकृति के साथ साथ यहाँ की जो पब्लिक है जनता है उसको भी मिलेगा क्योंकि जो लकड़ियाँ हैं वो कई कार्य में आते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो सर्दी में उसे अलाव जलाने के लिए और जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंबिकापुर के नगर निगम के इस अहम पहल के बाद प्रकृति को काफी लाभ पहुंचेगा। अंबिकापुर से राम कुमार यादव स्वराज एक्सप्रेस के लिए।